हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, सारा अली खान और कार्तिक आर्यन एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो रिसेंटली दोनों का ब्रेकअप हो गया और उसके बाद सारा अली खान किसी और एक्टर के साथ नजर आए। इस पर करीना कपूर का क्या रिएक्शन था, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलती रहें। करीना कपूर इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं कि वो बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल जाती हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि करीना कपूर कार्तिक आर्यन के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। एक इंटरव्यू में जब करीना कपूर से पूछा गया कि सारा अली खान और कार्तिक के रिलेशनशिप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप खुश हैं, तो करीना ने कहा कि सारा अली खान काफ़ी क्लासी हैं और जबकि कार्तिक ऐसे नहीं हैं। कार्तिक सारा अली खान के लिए ऐसे ही हैं जैसे कि कोई खिलौना हो, वो बस उससे दिल बहला रही हैं और वो कभी भी उसको अपना जीवन साथी नहीं चुनेंगी। इस बात पर करीना के फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए कि उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, किसी के बारे में भी कुछ भी सोचे समझे बोल जाती हैं। उन्होंने कार्तिक के लिए अच्छे वर्ड चूज़ नहीं किए और उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए, जबकि सारा अली खान और कार्तिक बहुत ज़्यादा खुश हैं और अब आके दोनों में ब्रेकअप हो गया है तो सब कह रहे हैं कि करीना की बात सच साबित हुई है, क्योंकि आजकल सारा अली खान विजय के साथ डेट करती हुई नज़र आती हैं और उसी को अपना लाइफ पार्टनर चुनने वाली हैं, क्योंकि उनको वो बेस्ट लगते हैं और वो उनके बेस्ट फ्रेंड भी माने जाते हैं। आपको सारा अली खान और कार्तिक का कपल कैसा लगता था और इसके बाद अब विजय और सारा का कपल कैसा लग रहा है, दोनों में से कौन सा कपल ज़्यादा अच्छा था, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और करीना कपूर को कार्तिक आर्यन के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए थे या कि नहीं। कार्तिक वो इंसान है जिनका काफ़ी दफ़ा ब्रेकअप हो चुका है। आप कार्तिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स डाउन बिलो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।